पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर लगातार यहां पर किसान लोग जो है मौजूद हैं, और किसानों के चलते चलते जो लगातार जो और भी राज्यों से लोग आए हैं वो भी मौजूद हैं। तो अभी एक सर हमारे साथ है, क्या नाम है सर? मेरा नाम अशोक मिश्रा है, मैं भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय सचिव हूँ और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला और तहसील कुंडा का मैं से बिलोंग करता हूँ, जहाँ के विधायक मेरे राजा भैया का नाम पूरे हिंदुस्तान में विख्यात है, वो मेरे विधायक हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी आवाज़ उठाने आए हैं, मोदी जी का विरोध करने आए हैं। आज हमारा किसान, हम लोगों ने मिल करके इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, और सरकार इसलिए बनाई कि किसानों का हित होगा, लेकिन आज इस भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का बेड़ा गर्द कर दिया है। किसान दर दर की ठोकर खा रहा है, किसानों की फसलें नष्ट हो जा रही हैं, किसान 1160 रुपए में जो है गैस सिलेंडर लेने को मजबूर हो गया है, औरतें खाना कहाँ से बनाएगी, हमारी फसलें नष्ट हो जा रही हैं, बारिश हो नहीं रही उत्तर प्रदेश में। मैं ये अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय पत्रकार महोदय कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए, और जनता त्राहिताई कर रही है, पानी बरस नहीं रहा, डीजल पर सब्सिडी होनी चाहिए। योगी जी तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। क्या योगी जी कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? योगी जी हैं कि ढोंगी जी हैं? वो किसानों के लिए बिल्कुल अहित का काम कर रहे हैं, वो केवल कागजों पर काम कर रहे हैं। योगी जी एक है कि पहने बोलरी तक का माला, रात में तोड़े आन के ताला, बाबा घंटा चुराने वाला, अरे मन्ना रंगाया रंगाया बाबा कपड़ा। अरे जो योगी होगा वो कंदरों में होगा, गुफाओं में होगा, आश्रम में होगा, वो राजनीति थोड़ी करेगा। राजनीति तो किसान करेगा, किसान का बेटा करेगा, जिससे किसान की आवाज़ उठाएगा, किसान के हित की। मंत्री जी है योगी, तो आप बोल रहे हैं योगी जी मठ में जाएंगे? बेईमानों की सरकार है, मठ में बिल्कुल जाना चाहिए। एक बेईमानों की सरकार है तो फिर लगातार क्यों जीत रही है? अरे लगातार जब ईवीएम के माध्यम से धर्म की आड़ लेकर जीत गए हैं, और कहां उनका ऐसा वो नहीं है कोई ईवीएम की आड़ लेकर। जी 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 जी, धर्म की आड़ लेकर। आप ही तो हिंदू राष्ट्र बना रहे थे। हिंदू राष्ट्र चाहिए था आप ही लोग? हिंदू राष्ट्र किसी को नहीं चाहिए, केवल एक भ्रमित करके राम के नाम पे, कभी दूसरे नाम पे, कभी जातिवाद फैला करके तब जीत रहे हैं, ऐसे नहीं जीत रहे ये। और किसानों का शोषण रहा, उनकी गलत नीतियों के कारण इतने जानवर हर जगह गांव में, सड़क में, खेत पूरा चल ले रहे हैं, गौशाला बना दी है इतनी सारी, गौशालाओं में जानवर मर रहे हैं, पाप हो रहा है। मेरी बात आवाज सुनिए, देखिए मैं एक सलाह देना चाहता हूँ इस उत्तर प्रदेश सरकार को, एक भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते, कि जैसे गंगा का किनारा है तो गंगा के किनारे में जैसे एक जिला है तो 20 किलोमीटर सरकार की ज़मीनें हैं, तो 20 किलोमीटर में उस ज़मीनों में चरागाह बना दिया जाए, कि उसी में बड़ी बड़ी बाउंड्री बना दिया जाए, तो पानी भी जानवर पिए और उसी में जानवर रहे भी, ना तार की जरूरत है, ना कांटा की जरूरत है, ना कोई बाउंड्री। योगी जी को गौ से बहुत प्रेम है, गौशाला बनाई है इतनी सारी। योगी जी की गौ से प्रेम है, लेकिन आज किसी भी गौशाला में आप जाइए चरागाहों में तो गाय मर रही हैं, इतना अन्याय हो रहा है, कागज पर लूट हो रही है, आप 10 किलो भूसा नहीं पा सकते हैं, कागज के नाम पर लूट बजारी हो रही है, बहुत दुख की बात है। लूट बजारी हो रही है, बिल्कुल लूट बजारी हो रही है। मैं इस दावे के साथ कह रहा हूँ कि उससे ज्यादा हत्या हो रही है, उससे ज्यादा। गऊ का क्या बता रहे हैं? गऊ जो है काफी हर जगह दो चार आपको प्रतिदिन मरी हुई उसमें मिलेगी, नई लाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के बाद आप उस गाय को देख लीजिए तो मरी हुई मिलेगी कहीं। मंत्र वगैरह जाप वगैरह रखते हैं गऊ के लिए कि उनकी शुद्धि होती है कानों से? कुछ नहीं होता, केवल जो है वो गाय मर रही है, और खाने के अभाव में, दवाई के अभाव में, इसीलिए सब गाय मर रही है। हकीकत है क्या योगी जी के क्षेत्र? योगी जी सरकार है, उनकी गलत नीतियों के कारण राज्य आ गया है। आप नहीं, राम राज कुछ नहीं आया है, पुलिस प्रशासन जो है बेलगाम हो गया है, पूरी तरह से जनता को लूटा जा रहा है। जनता को लूटा जा रहा है कैसे? अरे किसान कोई भी पहले रहता था, एक तंत्र रहता था दूसरी सरकारों में, कम से कम विधायक मंत्री उसकी ही सुनी जाती थी, अब शासन एकदम स्वतंत्र है, पूरा चाहे ऊपर से आर्डर ले करके किसी की बात नहीं सुनता, जिसके साथ जो भी अन्याय होना होता है हो जाता है, कोई भी शासन का जनता
के ऊपर जो है ये नहीं छत्रछाया नहीं है किसी आदमी की कि अपनी बात को चाहे पुलिस के माध्यम से चाहे अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से कह सके, कोई बात पहुंच नहीं भाई होगी। या लखनऊ प्रदेश बहुत बड़ा है और दूर दराज के लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं। हम क्या करेंगे अब, यहाँ तो आज एक ही दिन मिला था आपको, परमिशन भी शायद बोली जा रही है नहीं मिली थी। परमिशन नहीं मिली है, नहीं मिली है, फिर भी आप नहीं नहीं कर रहे हैं। अब अपना विरोध प्रदर्शन करके अपने घर जाएंगे, फिर कोई अपनी रणनीति बना के जो आगे बड़े नेता है भाई आदेश देंगे उसका पालन करेंगे। हाँ चलिए, तभी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पर किसान मौजूद है, मध्य प्रदेश से भी लगातार यहाँ पर किसान जो है भाई लोग आ रहे हैं। अभी यूपी की जो हालात आपने सुने वहाँ पर आप देख ही सकते हैं किस तरीके से जंगल राज जो बिहार में बताया जा रहा है वो राम राज्य में ही जंगल राज हो रहा है। जिस तरीके से गौशाला के नाम पर लाखों करोड़ों का चंदा बटोरती है सरकार और जब बोलती है कि वहाँ पर गौशाला बना दी गई है तो वहाँ आप सुन सकते हैं स्थिति किस तरीके से जो है गौ की मौत हो रही है। ये वहीं के लोग बयां कर रहे हैं, ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये वहीं के लोग बता रहे हैं किस तरीके से गौओं की रोज आए दिन हत्या हो रही है। रोज आए दिन जो है 2 से 4 जो गाय माता है अपनी बलि दे देती हैं, मर रही हैं, उन्हें खाने के लिए जो है भूसा तक जो है मिल नसीब नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कैसी स्थिति है उत्तर प्रदेश में योगी राज में। तो आप देख सकते हैं कि योगी राज में किस तरीके से जो है किसान भी मर रहा है और जानवर भी मर रहा है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर लगातार किसान आए जा रहे हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।